दिसंबर भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती, और इस जन्म जयंती के अवसर पर आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी नीमच के जिला अध्यक्ष युवा श्री पवन पाटीदार। आज हम उनसे बात करेंगे। पवन जी, आपका स्वागत करता हूं। और आज जन्म जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, 25 दिसंबर है आज। पार्टी को उन्होंने बहुत कुछ दिया, क्या सीखा इस भाजपा ने? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है महेंद्रिया कि जिनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। और निश्चित रूप से आज मैं गर्व और फक्र महसूस करता हूं कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। उस विचारधारा को पोषित करने का मुझे अवसर ईश्वर ने दिया है कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व जिसको पक्ष विपक्ष सब ने स्वीकार किया, ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम आते हैं। अटल जी को जब हम देखा करते थे, वो बोलते थे, पूरा सदन मौन हो जाया करता था। इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि हर कोई अटल जी से कुछ न कुछ सीखना चाहता था। अटल जी क्या बोलते हैं उस बात को सब ध्यान में रखना चाहते थे। तो ऐसा व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जी, जब लोकसभा में 2 सीटें भाजपा की हुआ करती थी, पूरी एक तरफ कांग्रेस थी, अटल बिहारी उस समय सांसद हुआ करते थे, वो भी चुनाव हार रहे हैं, और आज भाजपा पूर्ण बहुमत की तरफ है, पूरी बहुमत आपके साथ है। पर अगर अपन देखें अटल बिहारी वाजपेयी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में कुछ अंतर आप महसूस करते हैं क्या? देखिए, अंतर तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर है। पहले पक्ष हुआ करते थे, विपक्ष हुआ करते थे। विपक्ष की भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरीके से निभाई, वैसा विपक्ष की आज हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि जो आज विपक्ष है वो विपक्ष किस प्रकार की चीज़ें, झूठ बोलना, झूठ के आधार पर राजनीति करना, मात्र वोटों के लिए राजनीति करना। अटल जी के समय जब अटल जी विपक्ष में बैठा करते थे, तब देश के लिए राजनीति हुआ करती थी, विचारों के लिए राजनीति हुआ करती थी। और इसलिए पीवी नरसिम्हा राव ने भी जब विदेश में किसी नेता को भेजने की बात आई, बल्कि वो विपक्ष में थे, उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश की तरफ से प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था। और अटल जी ने कहा था कि नरसिम्हा राव जी, मैं तो विपक्ष का नेता हूँ और आप मुझे भेज रहे हैं। तो नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि आपसे अच्छा वहाँ पर देश का प्रतिनिधित्व कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का विपक्ष और पक्ष उस समय हुआ करता था। और आज विपक्ष किस भूमिका का निर्वहन कर रहा है, वो हम सबके सामने केंद्र में है, मध्य प्रदेश में। पवन जी, अगर अपन बात करें विपक्ष की बात करें और आज की भाजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उस समय अटल जी की बात करें, आज की भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पूरी तरह से मजाक उड़ाती है। आप देख रहे हैं, लोकसभा में देखें, विधानसभा में देखें, मजाक के अलावा कुछ नहीं बचा। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय विपक्ष, अटल जी विपक्ष को चाहते थे, अटल जी विपक्ष का वही सम्मान करते थे, आज की भाजपा सम्मान। देखिए, मैंने जो अभी अंतर बताया, विपक्ष विपक्ष का जो अंतर है, विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी थे, और मैंने अभी आपको बताया कि मानवाधिकार आयोग से संबंधित बात थी। पाकिस्तान भारत पर यह आरोप लगा रहा था कि कश्मीर के अंदर अत्याचार हो रहा है मुस्लिमों पर, और इस प्रकार की एक परिस्थिति बनी थी। तब जिनेवा में अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीवी नरसिम्हा राव उनका चयन करते हैं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। तो विपक्ष उस समय क्या भूमिका निभाता होगा, और इसलिए इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण विषय था, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता और अगर वो भारत के विरोध में हो जाता तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान, भारत को बहुत सारे आर्थिक जो समझौते थे उससे भारत बाहर हो सकता था। तो उस समय का विपक्ष वो भूमिका निभाता था। पर आज के विपक्ष की स्थिति ये है कि CAA जैसे जब कानून लाए जाते हैं, जो कानून गांधी जी के सपने के आधार पर लाया हुआ कानून था, कि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि अगर कोई अल्पसंख्यक पाकिस्तान में परेशान होगा तो उसकी चिंता हिंदुस्तान की सरकार करेगी, और अगर हिंदुस्तान में परेशान होगा तो उसकी चिंता पाकिस्तान की सरकार करेगी। पर हिंदुस्तान में तो अल्पसंख्यक भाइयों को हमने गले लगा के रखा, और ये कभी महसूस नहीं हुआ कि ये देश उनका नहीं है। देश उनको हमेशा महसूस हुआ कि अपना देश है और उन्हीं का देश है। परंतु पाकिस्तान में जब अल्पसंख्यक परेशान हुआ, इतने लंबे समय से जो गांधी जी के नाम पर वोट मांगकर कांग्रेस अपनी दुकानदारी चला रही थी, उस कांग्रेस ने CAA जैसे कानून का विरोध किया जो गांधी जी के सपने पूर्ण करने वाला जो बिल लाई, विधेयक लाई भाजपा की सरकार, कि जो अल्पसंख्यक वहाँ परेशान है हम उसको यहाँ की नागरिकता देंगे। तो ये फर्क है विपक्ष विपक्ष का,
और ये भूमिका आज का विपक्ष निभा रहा है, इसलिए बहुत सारे मामलों में विपक्ष ऐसी हास्यास्पद चीज़ें करता है या ऐसी देश विरोधी चीज़ें करता है या समाज और जनता और भारत के लोगों के विरोध की भूमिका में विपक्ष खड़ा हो जाता है। उस विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए। सरकार अगर कुछ ऐसा कर रही जिससे देश का नुकसान है तो वो ठीक से हो, उसमें सहयोगी बने कि कैसे देश का में ऐसी चीज़ें आए जैसे तीन तलाक जैसा कानून है। तो तीन तलाक जैसा कानून मुस्लिम बहनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, पर तीन तलाक जैसे कानून का विरोध करना, तो इसलिए विपक्ष जो भूमिका निभा रहा है वो भूमिका विपक्ष की नहीं है, इसलिए विपक्ष बहुत बार हास्यास्पद स्थिति में आ जाता है। वाजपेयी जी ने जिस समय देश के प्रधानमंत्री रहे 13 दिन 13 माह और 5 साल की सरकार, ऐसी कोई योजना उन्होंने बनाई जन कल्याणकारी जो आपको जानकारी है? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड अपने आप में एक ऐसी अनूठी योजना थी जिसने किसानों को कर्जे से बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर गांव को सड़क से जोड़ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसने गांवों को शहरों के बराबर लाकर खड़ा करने का काम किया, ये दूसरी उनकी बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। तो उनकी योजनाएं जो चतुर्भुज सड़क उनकी योजना फोर लाइन वाला, उसके कारण से आज हम अगर नीमच से इंदौर जाते हैं या बड़े बड़े शहरों से जो कनेक्टिविटी दूसरे शहरों की हुई है, और निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन का जितना कन्वीनियंट होगा उतना देश तरक्की करेगा और हर शहर बड़े शहर के बराबर आकर खड़ा होगा, गांव शहर के बराबर आकर खड़ा होगा। तो इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई है, उन्होंने सारी योजनाएं बनाई। तो आज केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ गई है, ये देखे जाते हैं। और चूंकि नरेंद्र मोदी ट्विटर पे सेकंड पोजीशन पे आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे एक गायिका आती है अमेरिका की और सेकंड पे नरेंद्र मोदी आते हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध क्यों होता है? देखिए, विरोध हर उस आदमी का होता है जो अच्छा काम करता है, विरोध हर उस आदमी का होता है जो देश पहले मानकर वोटों की राजनीति नहीं करना और देश के लिए राजनीति करना, दोनों बात का एक बहुत बड़ा फर्क है। और मैंने एक पत्रक हमारा भारतीय जनता पार्टी का आया था जिसमें एक पंक्ति ऐसी थी मैं गया कि जिसमें मेरे को भी लगा मिल रहा है कि क्या लिखा है, और जब मैंने दूसरी पंक्ति पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि ये क्या लिखा है, क्योंकि उसमें पहली पंक्ति ये थी कि हम वो नहीं करते जिससे लोग खुश हो, हम वो नहीं करते जिससे लोग खुश हो। तो मैंने पहली पंक्ति पढ़ी, मुझे भी बड़ा अजीब लगा, मिल रहा है गलती से तो टाइप नहीं हो गया, पर उसने उनमें फिर दूसरी पंक्ति लिखी थी, हम वो करते हैं जो लोगों के भविष्य के लिए और भारत के भविष्य के लिए अच्छा हो। इससे साफ समझ में आता है कि हम वोटों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले भविष्य निर्माण की राजनीति कर रहे हैं, हम आने वाले भारत के निर्माण की राजनीति कर रहे हैं। जी। तो ये एक बड़ा मेजर फर्क है, और इसलिए बहुत बार जो एक सीधी मैंने पहली बात बोली, हम वो नहीं कर रहे इसलिए खुश, हम किसी को खुश करने के लिए या कोई विरोध नहीं करे इसलिए राजनीति नहीं कर रहे, हम इसलिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए सरकार में आए हैं और लोगों का भरोसा जीत के आए हैं कि जिन लोगों ने भरोसा करके वोट दिया हम उन लोगों के भविष्य के निर्माण के लिए आए हैं। पर एक बात पवन जी यहाँ ये भी आती है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, प्याज के दाम बढ़ने से सरकार चली गई थी, आपको पता है शायद, प्याज के दाम बढ़े सरकार चली गई, किसान कानून को सरकार ने वापस लिया, किसान कहीं कहीं नाराज हुए, ऐसा नहीं लगता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा चली गई? देखिए, किसान कानून वाले मामले पे हम और आप काफी लंबी बात पहले भी कर चुके हैं, इसलिए उस पर मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर आप कह रहे हैं किसान नाराज हुए, और मुझे ऐसा कहीं लगता नहीं है कि किसान नाराज हुए, किसान व्यापारी नाराज हुए हों, किसान ने जो किसान का चोला पहन लिया था ऐसे दलाल नाराज हुए हों, ऐसे चंद लोग हो सकते हैं, पर किसान नाराज नहीं हुआ। किसान निश्चित रूप से इस बात को भविष्य में समझेगा कि भाजपा ये कानून क्यों लाई थी, और जिस दिन किसान, क्योंकि वो भी समझेगा, और हम उस बात को लेकर भी धीरे धीरे हम भी हमारी वर्किंग कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो किसानों के हित के लिए लाया गया कानून था, जिसको कहीं ना कहीं इन जो मैंने जो लोग चिन्हित किए कि इस तरह के लोगों के कारण से, और लोगों को हम लोग भी ठीक से नहीं समझा पाए जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस कारण से एक कदम पीछे आना पड़ा कि ताकि किसानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हो, परंतु इस बात को जब वे समझेंगे कि इन लोगों ने हमको बरगला कर, हमको रोड पर उतार कर,
और किस तरह के महत्वपूर्ण फैसले को सरकार के द्वारा वापस लेना पड़ा, जिससे आने वाला भविष्य निर्माण हमारा किसानों का हो सकता था, कृषि लाभ का धंधा हो सकता था, किसानों को एक बड़ा बाजार मिल सकता था, उन सब चीजों से किसान वंचित हुआ है। और ये कांग्रेस और कांग्रेस के पीछे छुपी हुई देश विरोधी ताकतों के कारण हुआ है। उस दिन उल्टा कांग्रेस को और इस प्रकार के लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस कारण से भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत एकदम और तेजी से बढ़ेगा। पवन जी, आज बहुत बातें आपसे हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती भी है आज, और आपने बहुत कुछ बताया नरेंद्र मोदी सरकार की बात आपने करी, विपक्ष की भूमिका क्या होती थी अटल जी के टाइम पे। और मेरा अंतिम सवाल है, चूंकि मैं इंटरव्यू को एंड की तरफ ले जा रहा हूँ, भाजपा के लोगों को और अपने नीमच जिलेवासियों को आप क्या कहेंगे जन्म जयंती? देखिए, अटल जी को हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पढ़ता भी है, सुनता भी है, जानता भी है, और जो आम जनमानस है वो भी अटल जी को आज तक याद करते हुए सम्मान भरे नज़रिए से उनको देखता है, जो सामान्यतः राजनीतिक लोगों को उतना सम्मान मिल नहीं पाता, पर उनको लोगों ने उससे भी अधिक सम्मान मन से दिया है। और मैं कार्यकर्ताओं से और सबसे कहना चाहूँगा, क्योंकि अटल जी की कविताएं बहुत बार मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं आज भी अटल सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को, मैं आज भी अटल जी की कुछ कविताएं पढ़ रहा था, और जिस कविताओं में मुझे लगता है वो कार्यकर्ताओं के लिए भी है, जनता के लिए भी, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो एक अच्छे पद पर चल रहा है। और अच्छे पद पर चलने वाले को निश्चित रूप से परेशानियां आती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी कविता है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, कौन सी, और मैं आपको भी सुनाऊंगा। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत चुनौतियां हैं, बहुत देशद्रोही शक्तियां काम कर रही है, समाजों को विघटित करने का काम कर रही है, ऐसी सारी शक्तियों से लड़ते लड़ते एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए मशाल जलाते हुए, चाहे पांव में कोई अंगारे बिछा दे, कितनी भी कठिनाइयां आए, हमको चलते रहना पड़ेगा। अटल जी की प्रत्येक कविता हमको जीवन का मार्ग दिखाती है और जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मैं सभी लोगों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, अन्य लोग हो, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हों, सभी से इस कविता के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, हम सब लोग कुछ न कुछ अंश समाज के लिए, देश के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए जरूर दें। सारी परेशानियां आएगी लेकिन सारी दूर हो जाएगी। जी जी, एक आपको ध्यान हो तो एक स्मृति ईरानी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की चार पंक्तियां लोकसभा में सुनाई थी, अगर आप कहें तो मैं आपको सुना दूंगा। बताइए ना। ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, यह नदी नदी गंगा है, हर कण कण में शंकर है, जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियां जब गंगा जल में प्रवेश होगी तो कान लगाकर सुनना, एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।